Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about project method of teaching. अब project method of teaching में project क्या है? बिल्कुल simple language में हम बात करते हैं, इसमें confuse नहीं होना, ठीक है? Project क्या होता है? कुछ series of task होते हैं या कुछ activity होती है जो हम perform करते हैं किसी specific objective को achieve करने के लिए. Project क्या होते हैं? कुछ series of task होते हैं या फिर कुछ activity होती है जो हमें perform करनी पड़ती है किसी specific outcome को achieve करने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ओके, तो पहले हमें प्रोजेक्ट का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए. प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है? कुछ सीरीज ऑफ टास्क होते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज होती हैं, नीड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक आउटकम. ओके, ठीक है, हमें कोई स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं ना, वो क्या है? प्रोजेक्ट. ओके, प्रोजेक्ट का हमेशा ही कोई पर्पस होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है. बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी क्या होता है? प्रोजेक्ट नहीं होता. ओके, आप कोई भी एक्टिविटी ऐसे कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट नहीं है. प्रोजेक्ट हमेशा एक स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक पर्पस को परफॉर्म करने के लिए लिया जाता है. ओके, तो यहाँ पे टीचर क्या करती है? बच्चों को कोई रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देती है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे देती है. ठीक है, इसमें बेसिकली टीचर क्या करती है? प्रमोट करती है लर्निंग बाय डूइंग. किसे प्रमोट करती है? लर्निंग बाय डूइंग. इससे इसमें क्या है? बच्चे कुछ करके सीखते हैं. ओके, जैसे सिंपली अगर टीचर बच्चे को समझा देगी कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, अगर टीचर मान लो थ्योरेटिकली बच्चों को समझाएगी तो बच्चों को मे भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा. टीचर क्या करती है कि हाउ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इम्पैक्ट अवर हेल्थ, उस टॉपिक पे बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देती है. बच्चे अपने आप से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, टीचर से कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट रेडी करना है ना. टीचर इसमें क्या देती है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी देती है कि इस टाइम पीरियड तक आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है. अब बच्चों को प्रोजेक्ट रेडी करना है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, बड़े सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होंगे. इसमें क्या, जब वो खुद करके सीखेंगे ना तो उनके माइंड में क्लैरिटी होती है, उस चीज को वो अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इसमें टीचर किसको प्रमोट करती है? लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें बच्चे खुद करके किसी टास्क को सीखते हैं. ठीक है, ये तो हमने उसका किसी प्रॉब्लम का एग्जांपल ले लिया. इस तरह से टीचर कुछ और टास्क भी दे देती है, जैसे टीचर रॉकेट बनाने का टास्क दे देती है कि आप रॉकेट बनाओ, या टीचर ये देती है डिजाइनिंग द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को डिजाइन करो, या फ्लावर प्लॉट बनाओ. इस तरह टीचर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट दे देती है ताकि बच्चों क्या करे, कुछ करके सीखे. क्योंकि सिंपली अगर टीचर बच्चों को समझाएगी बताएगी वो बात में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन एक हम जब खुद से करते हैं, जब खुद से उसको प्रॉब्लम को फेस करते हैं, एक तो हमारा इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, दूसरा हम उस चीज को अच्छे से समझते भी हैं. तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों के दिमाग में क्या क्लैरिटी हो, वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, तो प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है? टीचर को एक स्पेसिफिक टास्क दे देती है जो बच्चों को विद इन द टाइम पीरियड कंप्लीट करके देना है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, रॉकेट बनाने का टास्क दे देगी, या कहेगी प्लेग्राउंड को डिजाइन करो, या कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम दे देगी, बोलेगी कि करप्शन पे आर्टिकल लिख के सबमिट कराओ. ठीक है, प्रोजेक्ट ऐसे कुछ भी हो सकता है. बेसिकली प्रोजेक्ट क्या होता है? कुछ एक्टिविटी होती है जिनके एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जब भी टीचर वो एक्टिविटी स्टूडेंट को असाइन कर दिया तो विद इन टाइम लिमिट, इतने टाइम पीरियड में वो प्रोजेक्ट बच्चे को टीचर को बनाकर सबमिट कराना होता है. ओके, आई थिंक आपको प्रोजेक्ट का मतलब तो क्लियर होगा. इसमें क्या होता है? टीचर बेसिकली प्रमोट करती है लर्निंग बाय डूइंग ताकि बच्चे उस चीज को खुद से करके सीखे. ओके, तो इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, हम जल्दी जल्दी से बस उस स्टेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहले क्या है? प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन. पहले टीचर एक सिचुएशन प्रोवाइड करती है. प्रोजेक्ट असाइन करने से पहले टीचर क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करती है. अगर रिक्वायर्ड है तो उनको कुछ पिक्चर्स भी दिखा सकती है. ठीक है, या फिर अगर इतना भी इनफ है, अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट है, ठीक है, तो टीचर उनको बाहर भी ले जा सकती है कहीं. ओके, तो इसमें टीचर क्या करते हैं? बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देती है. ठीक है, उनको थोड़ा बताती है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या? प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन. उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस कराएगी. ये वाला भी टॉपिक हो सकता है, वो भी टॉपिक हो सकता है. ठीक है, उसके बाद चूजिंग द टॉपिक. ठीक है,
इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर थोड़े बड़े हैं तो टीचर इसमें क्या करती है, उनको खुद चॉइस करने देती है कि इन टॉपिक में से आप अपने आप चॉइस कर लो, क्योंकि वो बड़े हैं, अपनी कैपेसिटी को, नॉलेज को, इंटरेस्ट को अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है तो टीचर उनको खुद टॉपिक असाइन कर देगी ये देख के कि उनकी उनका इंटरेस्ट किस में है, उनमें कितने वो कैपेबल है, उनमें कितनी नॉलेज है। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होता है, चूजिंग टॉपिक बच्चे खुद भी कर सकते हैं अगर बच्चे मिच्योर है, समझदार है, या फिर टीचर उनको गाइड भी कर सकता है, लेकिन सेल्फ चॉइस मैटर करती है। अगर वो खुद से चॉइस करेंगे तो उनको पता होगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको उनकी कितनी कैपेसिटी है। ओके, तो सेकंड पॉइंट में क्या, वो टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाए, कब से शुरू करना है, कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी है, क्या क्या टास्क असाइन करना है। ये ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओके, तो इसमें सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी प्लानिंग होगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, इसमें एक्चुअल में प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो जाता है, एक्चुअल में काम शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो प्लानिंग होती है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है टीचर उनको गाइड करती है। टीचर का रोल सिर्फ उनको गाइड करने का होता है, इसमें बच्चे एक्टिविटी सारी अपने आप से करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर उनको सॉर्ट आउट करती है, उनको टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया एग्जीक्यूटिंग, उसके बाद आ गया इवेल्युएशन। इसमें स्टूडेंट को क्या कहा जाता है, अपनी अपनी मिस्टेक सर्च करो, तुमने इसमें क्या मिस्टेक करी, उस बच्चे को कहा जाता है अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करो। ठीक है, इसमें टीचर भी उन्हें गाइड करती है, टीचर भी बताती है, लेकिन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है खुद से अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करें। ओके, टीचर भी इसमें हेल्प करती है, लेकिन बच्चों को इसमें बताया जाता है ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके। उसके बाद फाइनल रिपोर्टिंग, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने जो जो किया उसकी रिपोर्टिंग तैयार की जाती है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, ताकि हम सबमिट करा सके उसे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग था, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।